उमरिया जिले के जोहिला कोयला खदान में सरकारी उपक्रमों का निजीकरण, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में आयोजित दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन जिले की कोयला खदानों में व्यापक असर रहा। श्रमिक संगठनों का दावा है कि SECL जोहिला क्षेत्र की चपहा, पिपरिया, पाली तथा कुदरी खदानों में हड़ताल 100% सफल रही, जबकि विंध्या और कंचनपुर माइंस में महज 33% कामगार ही हाजिर हुए। हालांकि इसे लेकर प्रबंधन ने कोई स्पष्टीकरण या बयान नहीं दिया। जोहिला क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक से इस संबंध में जानकारी चाही गई तो उन्होंने मोबाइल अटेंड नहीं किया। HMS के क्षेत्रीय महामंत्री मदन मोहन मुंजी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाली संस्थान अपने चहेते कारपोरेट घरानों को मिट्टी के मोल बेचने तथा उसकी नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में 28 एवं 29 मार्च को 10 श्रमिक संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के पहले दिन क्षेत्र के सभी खदानों का उत्पादन प्रभावित हुआ। केंद्र सरकार से एक कहना है कि जो श्रमिक विरोधी कानून थे, 40 हमारे कानून थे, उनको ख़त्म करके 4 कानून कर दिया, उसको ख़त्म करें। आज जो हम प्रबंधन से बात करने का अधिकार था, खदानों का निजीकरण, संपत्ति, खदानों की संपत्ति को बेचना, ये सब केंद्र सरकार बंद करे, हमारा इसी में खुशी शुभ नाम जी एटक, क्या बताए ना? संजय कुमार शुक्ला। ये हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये उसमें 4 श्रम संघ इंटर, एटर, HMS और C2 चारों सम्मिलित, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें भारत सरकार द्वारा जो मजदूर विरोधी निर्णय लिए गए हैं, भारत सरकार जो मजदूरों के खिलाफ लगातार अन्याय और अत्याचार कर रही है, इसके विरोध में हमारी ये दो दिवसीय हड़ताल है। पहला जो हम लोग तो मजदूरों का 44 श्रम कानून थे जिसमें बदलता 4 श्रम संहिता बना दिया गया, इसके विरोध में हमारा ये हड़ताल है। और जो भारत सरकार द्वारा तालियों तो निजी हाथों में बेचा जा रहा है, उसके विरोध में हमारा ये हड़ताल है। निरंतर जो है, जो भारत सरकार ने जो नई श्रम संहिता बनाई है, उसमें मजदूर हड़ताल में नहीं जा सकते, उसके विरोध में हमारी ये हड़ताल है। जो नई श्रम संहिता है उसमें हम लोग जो यूनियन से पदाधिकारी रहेंगे, मजदूरों की लड़ाई के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, प्रबंधन से बात नहीं कर सकते, इसके विरोध में हमारी यह हड़ताल करेंगे। फिर यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर हम लोग अगला आंदोलन जो चलाना है आंदोलन चलाएंगे, हड़ताल में जाएंगे या और भी बड़े आंदोलन में जाएंगे। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।